सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। अहम् अंजना साव अस्मि। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा सातवीं के चतुर्दशा पाठ श्रवण कुमारस्य कथा का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम इस पाठ के पहले भाग में श्रवण कुमार किस तरह अपने माता पिता की सेवा करता था, वह अपने माता पिता के कहने पर कि उन्हें तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है, वह एक कांवर में अपने माता पिता को बैठाकर उन्हें तीर्थ यात्रा कराने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसके माता पिता को प्यास लगती है, वह एक वृक्ष के नीचे बैठाकर स्थापित करके जल तुम्बिका लेकर वह पानी लेने सरयू नदी में चला जाता है। जल तुम्बिका को पानी भरने के लिए नदी में डुबाने पर गड़गड़ की ध्वनि निकलती है। इस गड़गड़ की ध्वनि को सुनकर राजा दशरथ को हाथी का बच्चा होने का आभास होता है और वह अपने लक्ष्य को बिना देखे, अपने शिकार को बिना देखे सप्तवेधी बाण चला देते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के पहले भाग में हम यहाँ तक अध्ययन कर चुके हैं। इसके आगे का अध्ययन आज हम इस पाठ के द्वितीय भाग में करेंगे। बाणेन आहतः श्रवण कुमारः चित्कार शब्दम् अकरोत्। तत् श्रुत्वा दशरथः तं प्रति अधावत्। सः तत्र बाणविद्धं श्रवणं दृष्ट्वा शोकाकुलः अभवत्। बाणेन तृतीय विभक्ति एकवचन, बाण से आहतः घायल श्रवण कुमारः, श्रवण कुमार चित्कार शब्दम् अकरोत्। बाण से घायल श्रवण कुमार चीख की आवाज किया, चीखा। तत् श्रुत्वा उसे सुनकर दशरथः, दशरथ तम उसकी प्रति, यह एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है और, अधावत दौड़ा। उसे सुनकर दशरथ उसकी ओर दौड़ा। सह वह तत्र, यह भी एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है वहां। बाण विद्धम श्रवणम, श्रवण को दृष्ट्वा देखकर, शोकाकुलः शोक से व्याकुल, दुख से व्याकुल अभवत हो गया। वह वहां बाण से घायल श्रवण कुमार को देखकर दुख से घायल हो गया। बाण से घायल श्रवण कुमार चीखा, फिर उसे सुनकर दशरथ उसकी ओर दौड़ा। वह वहां बाण से घायल श्रवण कुमार को देखकर शोकाकुल शोक से व्याकुल, दुख से व्याकुल हो गया। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को हम देख लेते हैं। श्रुत्वा, श्रु धन्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर, दृष्ट्वा यहाँ दृश धन्त्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है और दृष्ट्वा का अर्थ होता है देखकर। बाण विद्धः श्रवण कुमारः दशरथम् अवदत्। मम अंधौ पीतरौ पिपासाकुलौ वृक्षस्य अधः तिष्ठतः। तम शीघ्रं गत्वा तौ जलं पायय। एवं कथयन् सः प्राणान् अत्यजत्। बाण विद्धः श्रवण कुमारः, श्रवण कुमार दशरथम्, दशरथ को, द्वितीय विभक्ति एकवचन, अवदत् बोले। मम षष्ठी विभक्ति एकवचन, मेरा। अंधो दृष्टिहीन, पितरो माता और पिता, पिपासा कुलो प्यास से व्याकुल, वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन, वृक्ष के। अधः यह एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है नीचे। तिष्ठतः बैठे हैं। तिष्ठतः यह लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का पद है। बाण से घायल श्रवण कुमार दशरथ को बोला, मेरे अंधे
माता और पिता प्यास से व्याकुल वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तुम शीघ्रम शीघ्र गत्वा जाकर तौ उन दोनों को, मेरे माता और पिता को, जलम जल पाय पिला दो। तुम शीघ्र जाकर मेरे माता और पिता को जल पानी पिला दो। एवं इस प्रकार कथयन कहते हुए सह वह श्रवण कुमार प्राणान प्राणों को अत्यजत त्याग दिया, छोड़ दिया। बाण से घायल श्रवण कुमार दशरथ को बोला, मेरे दृष्टिहीन माता और पिता प्यास से व्याकुल वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तुम शीघ्र जाकर उन दोनों को जल पिला दो। इस प्रकार कहते हुए वह प्राण को त्याग दिया। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम एक बार पुनः देख लेते हैं। अधः नीचे, गत्वा यहाँ गम धन त्वा प्रत्यय है। गत्वा का अर्थ होता है जाकर, पाये पिला दो, अत्यजत छोड़ दिया। शोकाकुलः दशरथः जलतुम्बिकां नीत्वा श्रवणस्य माता पित्रोः समीपम् अगच्छत्। तौ अपृच्छताम् वत्स विलम्बः कथं जातः। आवां पिपासा पीडितो त्वं उत्तरं देहि। दशरथः सर्वां घटनां न्यवेदयत। शोकाकुलः शोक से व्याकुल, दुख से व्याकुल दशरथः दशरथ। जलतुम्बिकां द्वितीय विभक्ति एकवचन, जलतुम्बिका को नीत्वा लेकर, श्रवणस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन, श्रवण के माता पित्रोः माता और पिता के समीपम समीप पास अगच्छत गया। शोक से व्याकुल दशरथ जलतुम्बिका को लेकर श्रवण के माता पिता के समीप गया। तौ वे दोनों अपृच्छताम पूछे, वत्स बेटा विलंबः विलंब कथम कैसे जातः हो गई। वे दोनों पूछे, बेटा विलंब देर कैसे हो गई। आवाम हम दोनों यह प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन का पद है। पिपासा पीड़ितो प्यास से पीड़ित, तुम उत्तरम उत्तर देही दो। हम दोनों प्यास से पीड़ित, तुम उत्तर दो। दशरथः दशरथ सर्वां सभी घटनाम घटना न्यवेदयत वर्णन किया, निवेदन किया। शोक से व्याकुल दुख से व्याकुल दशरथ जलतुम्बिका को लेकर श्रवण के माता पिता के पास गया। वे दोनों श्रवण के माता और पिता पूछे, बेटा देर कैसे हो गई, विलंब कैसे हो गई। हम दोनों प्यास से पीड़ित, तुम उत्तर दो। दशरथ सभी घटनाओं का निवेदन किया, वर्णन किया। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को हम पुनः देख लेते हैं। जल तुम्बिकाम जल की तुम्बी को नीत्वा, यहाँ नीधन त्वा प्रत्यय है। नीत्वा का अर्थ होता है लेकर। अपृच्छताम पूछे, कथम कैसे। तत् श्रुत्वा तौ वृद्धौ तम अशपताम यथा आवाम पुत्र वियोगे प्राणान त्यजावह तथैव त्वमपि पुत्र वियोगे प्राणान त्यक्षसि एवं विलपन्तौ दिवंगतौ। तत् उसे श्रुत्वा सुनकर, तौ वे दोनों वृद्धौ वृद्ध तम उसको अशपताम शाप दे दिए। तब सुनकर वे दोनों वृद्ध उसे शाप दे दिए। यथा यह एक अव्यय है,
जिसका अर्थ होता है जिस प्रकार। आवाम प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति के द्विवचन का पद है। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। पुत्र वियोगे पुत्र वियोग में प्राणान त्यजावह प्राणों को त्याग रहे हैं। तथैव वैसे ही त्वमपि तुम भी पुत्र वियोगे पुत्र वियोग में पुत्र वियोगे यह सप्तमी विभक्ति एक वचन पुत्र वियोग में प्राणान प्राणों को त्यक्षसी त्यागोगे जिस प्रकार हम दोनों पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं उस प्रकार ही तुम भी पुत्र वियोग में प्राणों को त्यागोगे एवं इस प्रकार विलपन्तौ विलाप करते हुए दिवंगतौ स्वर्ग को प्राप्त हो गए। तब सुनकर वे दोनों वृद्ध उसे शाप दिए जिस प्रकार हम दोनों पुत्र वियोग में प्राणों को त्याग रहे हैं वैसा ही तुम भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे इस प्रकार विलाप करते हुए वे दोनों स्वर्ग को प्राप्त हो गए। यहाँ कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम पुनः देख लेते हैं। अशप्ताम शाप दे दिया तथैव तथा धन एव यहाँ वृद्धि स्वर संधि है। तथैव का अर्थ होता है वैसा ही त्वम अपि त्वम धन अपि यहाँ संयोग हुआ है। त्वम अपि का अर्थ है तुम भी। महाराजो दशरथः अतीव उदासीनो अभवत् सह श्रवण कुमारस्य तयोः पित्रोश्च दाह संस्कारं कृत्वा प्रत्यावर्तत। महाराजो दशरथः महाराज दशरथ अतीव बहुत उदासीनो दुखी अभवत् वे महाराज दशरथ बहुत दुखी हुए। सह वह श्रवण कुमारस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन श्रवण कुमार का तयोः उसका पित्रोश्च पित्रोः धनच यहाँ विसर्ग संधि है। पित्रों की वह राजा दशरथ श्रवण कुमार का और उनके पित्रों अर्थात माता और पिता का दाह संस्कारम दाह संस्कार कृत्वा करके प्रत्यावर्तत वापस लौट गया। महाराज दशरथ बहुत दुखी हुए। वह महाराज दशरथ श्रवण कुमार का और उनके माता और पिता का दाह संस्कार करके वापस लौट गया। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम पुनः देख लेते हैं। अभवत हुए कृत्वा करके प्रत्यावर्तत लौट गया। बच्चों इस पाठ को पढ़कर आप सभी को भी अपने माता पिता की सेवा करने की इच्छा श्रवण कुमार की तरह जागृत हुई ना? अवश्य ही जागृत हुई होगी। आप सभी श्रवण कुमार की तरह मातृ पितृ भक्त बनने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं गृह कार्य की ओर। हमारा पहला प्रश्न है पाठ में आए अव्यय पदों को छांट कर लिखिए। पाठ को पढ़ाते वक्त मैंने आप लोगों को पदों में अव्यय कौन से पद हैं इसकी जानकारी पहले ही दे दी है। हमारा दूसरा प्रश्न है निम्न पदों के लकार पुरुष और वचन लिखिए। क आसीत ख इच्छावह ग अवदताम घ अगच्छत। हमारा तीसरा प्रश्न है श्रवण कुमारस्य कथा का सारांश हिंदी में लिखिए। तो बच्चों आप सभी इस गृह कार्य को पूर्ण कीजिए और जब आप विद्यालय आए तो अपने विषय शिक्षक से इसका परीक्षण अवश्य करा लें। धन्यवाद।